एकदम खस्ता कचौड़ी एकदम टाइट है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ ये हमारा चैनल है, हमारा और भैया का, ठीक है। बोला अरे वाह, पनीर भी है आपके पास। इधर ये एक बार खाता तो बार बार आता है। आलू भी आ गया। रही है अच्छा, आप हमको 30 रुपए दीजिएगा। हाँ। हम आपको कचौड़ी पनीर में, छोले में, दम आलू में, कड़ी में, दाल में, जितने चावल लेंगे तो 50 रुपए, चावल नहीं लेंगे तो 30 रुपए, 10 रुपए की बूंदी। जल्द इस्तेमाल करते हैं भैया। भाई प्रयागराज इतना अनएक्सप्लोर्ड शहर है कि इसमें गलियों गलियों में इतने ढेर सारे फूड आइटम्स मिलते हैं जिसके बारे में अभी लोगों को पता ही नहीं है। तो आपको पता ही है कि हम लोग पूरा प्रयागराज एक्सप्लोर कर रहे हैं, जितने भी फूड कार्ट हैं, जितने भी फूड आइटम्स स्पेशल चीज़ें हैं वो मिलती हैं, वो हम लोग कवर करना है। तो अभी एट प्रेजेंट हम आ गए हैं एक स्पेशल कचौड़ी की शॉप कवर करने, जो कि क्योंकि कचौड़ी तो मैंने बहुत कवर की, आपको पता है मेरे चैनल पे काफ़ी ढेर सारी पड़ी है और लगातार हम करते भी रहेंगे जो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आज भी हम एक डिफरेंट कचौड़ी की शॉप कवर करने आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं EFT। तो एट प्रेजेंट पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। इस समय ये जो रोड आप देख रहे हैं ये नवाब यूसुफ रोड है। नवाब यूसुफ रोड से जब आप बस स्टैंड के पीछे वाली रोड में बस स्टैंड के लिए जाएंगे तो भैया की यहाँ पे एक कचौड़ी की कार्ट लगती है, जहाँ भैया कचौड़ी तो बेचते ही हैं, उसके अलावा बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहती हैं। इसीलिए मैं कवर करने आया हूँ, क्योंकि कचौड़ी सब्जी तो आपको हर जगह हर दुकान पे मिल जाएगी, हर नुक्कड़ पे मिल जाएगी, लेकिन यहाँ कचौड़ी नहीं मिलती, यहाँ कचौड़ी के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। तो आज आपको कुछ डिफरेंट जानने को मिलेगा, कुछ डिफरेंट खाने के लिए एक ऐसी लोकेशन मैं बताऊँगा जहाँ पर आके इसको आप कवर कर सकते हैं। तो आइए पहले भैया से बात करते हैं, उनकी कार्ड दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या है, क्या है प्राइस, कैसा है टेस्ट। आ जाइए। तो भैया देखिए, आपके कार्ड के बारे में हमने बहुत पहले सुना था और पिताजी हमारे बताए कि अच्छा। यहाँ कार्ड लगती है जहाँ पे कचौड़ी सब्जी नहीं उसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। तो पहले आप ये बताइए कितने दिन से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? जी सर, ये हमको करें सन 2000 से हम कर रहे हैं, मतलब 22 साल तो सीधे सीधे हो गया। सीधे सीधे तो परफेक्शन तो अब दिखेगा ही दिखेगा आपको, 22 साल का काम है भैया का तो परफेक्शन तो दिखेगा ही। तो अब हमें पहले आप ये बताइए कि क्या क्या आपके पास रहता है? तो एक सादा खाना है जिसमें आपको हम तावे की रोटी देंगे। अच्छा, दाल फ्राई है, कढ़ी है, कढ़ी रहेगी, दाल फ्राई रहेगा। ये क्या है? ये काबुली चने का छोले है सर। काबुली चने का छोला, अरे वाह भैया, ये तो मतलब ये काबुली चने का छोला हो गया। और एक मटर पनीर की सब्जी, उसके साथ कचौड़ी खिलाते हैं। अरे वाह, मटर पनीर भी है आपके पास सर? अरे गजब, ये तो देख के ही लालच आ रही है। हाँ। कचौड़ी खिलाते हैं सर। अच्छा अच्छा, और उसके साथ हम दम आलू भी देते हैं आपको। अरे वाह, बहुत टेस्टी है सर। दम आलू भी आ गया। और ये दाल फ्राई है भैया की, कढ़ी? ये तो हमारी दाल फ्राई देखिए, दम गाढ़ी। और ये दाल फ्राई है और रायता देखिए भाई साहब, एक टंकी रायता बन के आया हुआ है। ये आपको कढ़ी वगैरह है, कढ़ी पकौड़ा है। कढ़ी पकौड़ा का जैसे एक वीडियो हमने बनाया था, लेकिन इनके भैया के पास कढ़ी तो रहती है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। जैसे कहने का है कि हम आपको किसी भी चीज में कोई भी आइटम खिलाएंगे, कोई चीज अलग से मना नहीं है। अच्छा, और किसी चीज का अलग से कोई चार्ज है? अच्छा, अच्छा। आप हमको 30 रुपए दीजिएगा। हाँ। हम आपको कचौड़ी पनीर में, छोले में, दम आलू में, कढ़ी में, दाल में, जितने कस्टमर संतुष्ट उसमें हम खिलाएंगे। अरे वाह। और जैसे कि उसमें हम राइस वगैरह सब देते हैं। हाँ। राइस के साथ सलाद, अचार। हाँ। और तली मिर्च। हाँ। प्याज वगैरह सब रहता सब है। 50 रुपए लगता है। हाँ। जिसमें 50 में आपको हम दोबारा दाल, कढ़ी, सब्जी, छोला ये तो रहेगा ही। हाँ। साथ में कचौड़ी चावल है। हाँ। चाहे रोटी दाल चावल के राय खाए। अच्छा। और चाहे भटूरे चावल खाए लीजिए, चावल दे के हम 50 लेते हैं। वाह, विदाउट चावल हम 30 लेते हैं। तो है ये सिर्फ कचौड़ी की दुकान, लेकिन कचौड़ी के साथ आपको छोला भटूरा भी मिलेगा, रोटी सब्जी भी मिलेगी, कचौड़ी के साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। चावल लेंगे तो 50 रुपए, चावल नहीं लेंगे तो 30 रुपए। तो भैया अब इससे सस्ता और क्या मिलेगा भाई? हम खिलाते हैं, ये हमारा मीठा है 10 रुपए का, 10 रुपए की बूंदी। अरे वाह, ये बूंदी भी अपने हाथ की छनी है, रेडीमेड नहीं है। रेडीमेड नहीं, अपने हाथ की बनी हुई है। चलिए तो भैया अब ये कचौड़ी की दुकान नहीं, पूरा रेस्टोरेंट हो गया है जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। ये चावल, राइस की क्वालिटी भी हमारी, आप थोड़ा आगे से देख लीजिए, चावल दिखाओ भाई, हमारी राइस की क्वालिटी है देख लीजिए। वाह भाई, गोल्डन सेला इस्तेमाल करते हैं, बासमती इस्तेमाल करते हैं? नहीं, सेला इस्तेमाल करते हैं। तो सेला राइस भी मिल जाएगा आपको, तली हुई मिर्च, अचार, प्याज, मीठा भी है। चलता फिरता रेस्टोरेंट है और भैया का इतना बड़ा कार्ट है, यहाँ पे जो है वो पूरी बना नहीं पाते, तो पूरी कचौड़ी अलग जगह बनती है। हाँ, उसको भी दिखा देते हैं। आइए देखते हैं पहले कचौड़ी कहाँ बनती है, आइए दिखाते हैं। कार्ड छोटे होने के कारण भैया कचौड़ी यहाँ बनाते हैं, एकदम हाइजीनिक तरीके से। आप देख रहे हैं यहाँ पे अंगीठी लगी हुई है, कचौड़ी लगातार तैयार हो रही है। रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते हैं भैया? रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते हैं। तो रिफाइंड तेल में और कचौड़ी भरी हुई होती है, कैसे सिंपल होती है? सिंपल कचौड़ी होती है। और जैसे प्रयागराज में कचौड़ी मिलती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे कचौड़ी आपको दिख जाएगी। कचौड़ी किस तरीके से सिकी हुई हम आपको ये दिखाते हैं, एकदम खस्ता कचौड़ी एकदम बढ़िया से सिकी हुई। भैया क्या थाली वाला सिस्टम भी है आपके यहाँ? दोनों चीज है सर। अच्छा, थाली वाले सिस्टम, जैसे रोटी लेना हो। हाँ, थाली में जैसे सर हम 4 रोटी देते हैं, राइस देते हैं। हाँ, और
बाकी आपको सब्जी कढ़ी दाल फ्राई छोला दम आलू जो आपकी मर्जी सो मिलेगा और चावल वगैरह के साथ 50 रुपए लेते हैं जिसमें हम सलाद अचार प्याज और पापड़ वगैरह सब देते हैं। पापड़ वगैरह भी रहता है भैया, मतलब अब क्या बताएं, हम खुद आगे यहाँ दंग रह चुके हैं आपके कार्ड देख के कि भाई प्रयागराज में इतनी फेमस शॉप और लोगों को पता नहीं है। तो भाई लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार आके इनका आप पहले कार्ड विजिट कीजिए भाई साहब, इतनी ज्यादा वैरायटी हमको नहीं लगता प्रयागराज की किसी कार्ड में मिलती है, इतनी ढेर सारी वैरायटी, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें, कचौड़ी रोटी कॉम्बिनेशन आप कोई भी लगाइए। तो भैया देखो हम ट्राई करने जा रहे हैं सब चीज, थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो चलिए भैया एक एक चीज हमें आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराइए। पहले आपको हम कढ़ी पकौड़ा खिला रहे हैं। जी जी जी, तो ये है कढ़ी पकौड़ा, ठीक है, कढ़ी पकौड़ा हो गया और पनीर की सब्जी। आपने से कितना सही लग रही पनीर की सब्जी, एकदम तेल और ऊपर तैर रहा है मस्त। और ये नीचे क्या है, चने वाला, चने का छोला भी आपको थोड़ा देते हैं। चने का छोला, हाँ बस थोड़ा थोड़ा चीज दीजिए इसे टेस्ट करने के लिए। साथ में आ रही है दाल, दाल आपकी दाल ही है, ठीक है, ये दाल हो गई। ये आपको बूंदी का रायता हम खिलाएंगे, ये बूंदी का रायता आ गया भैया, ठीक। और एक कचौड़ी भी हमें दीजिए जिससे हम टेस्ट करें इसको, ठीक है, बस बस। तो ये आ गया पूरा प्लेटर, ये आप इसमें से कुछ भी चीज ले सकते हैं 30 रुपए में। कचौड़ी अभी दमालू बचा हुआ है तो दमालू कचौड़ी में हम और ट्राई करेंगे। तो ये है इनका पूरा प्लेटर, मैंने एक बार में टेस्ट करने के लिए ले लिया है, आपको जो चीज पसंद है आप वो चीज लेके यहाँ पे खा सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले टेस्ट करते हैं। ये भैया का मैंने पूरा प्लेटर ले लिया है जिसमें आपको दिख रहा है पनीर की सब्जी, छोला, रायता, यहाँ पे दाल है, कढ़ी पकौड़ा है, अभी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, जैसे दमालू बचा हुआ है, छोला भटूरा बचा हुआ है इनके पास, और भी चीज़ें हैं, रोटी भी मिल जाएगी आपको कचौड़ी की जगह पे। तो सबसे पहले कचौड़ी देखिए, इस तरीके की कचौड़ी हर जगह नहीं मिलती है, आपको नॉर्मल कार्ड में आपको कचौड़ी मिल जाएगी 30 रुपए प्लेट, 6 कचौड़ी रहती है उसमें, लेकिन इतनी खस्ता कचौड़ी ये देख रहे हैं, एकदम खस्ता कचौड़ी, एकदम टाइट है, ठीक। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं सिर्फ छोला, ठीक है, छोला काफ़ी ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया एकदम तेल और उबल तैर रहा था, इस तरीके का छोला है, तो टेस्ट करके देखते हैं पहले। एकदम जिनमें स्पाइसी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तीखा है, कोई भी खा सकता है, ठीक है। तो मिर्चा दे रहे हैं भैया हरा वाला, डाल के खाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया छोला, साथ में पनीर की सब्जी। भाई देखो जो अटेंशन है ना वो इससे ग्रैब होगा, पनीर की सब्जी से। तो पनीर आप देखिए ऐसे छोटी छोटी पीसेस में है, वाह भाई साहब, पनीर तो ऐसे मेरी फेवरेट है, और बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी बनी हुई है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं, पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनी हुई है। कढ़ी अब देखते हैं घर वाली कढ़ी है कि नहीं है, बनाया तो भैया ने है लेकिन टेस्ट करके देखते हैं कि कढ़ी के पकौड़े के अंदर आपको प्याज, इससे पहले जो मैंने कढ़ी कवर की थी उसमें भी देखिए इसी तरीके की कढ़ी बनी हुई थी। तो अब देखते हैं भाई कढ़ी खाते ही जो सबसे पहला टेस्ट आना चाहिए वो लहसुन का और हींग का होना चाहिए। तो वाह भाई साहब, अब आप चावल और कढ़ी लेके यहाँ ट्राई कर सकते हैं, चावल और कढ़ी जरूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे कढ़ी बहुत टेस्टी है, नो डाउट। मतलब इन तीनों सब्जियों में से मैं किसी सब्जी में कोई नुस्ख निकाल ही नहीं सकता, छोला भी अच्छा है, पनीर की सब्जी भी अच्छी है, कढ़ी भी अच्छी है। अब थोड़ा देसी खाना यानी दाल ट्राई करते हैं। भाई कचौड़ी की दुकान में इतनी सारी वेराइटी, मतलब इम्पॉसिबल, और हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगी, पर आज अब पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये दाल फ्राई है, वही कह रहा हूँ मैं, चलता फिरता रेस्टोरेंट है भाई साहब ये। तो अब आते हैं इसको ट्राई करते हैं, दाल एकदम घर वाली दाल, कोई ऐसा नहीं कि मतलब इस तरीके से छौंकी गई हो, कि बहुत नॉर्मल तरीके से छौंकी गई है। और थिकनेस देखिए आप दाल की, दाल की थिकनेस देखिए, देख रहे हैं एकदम लग रहा है ना रेस्टोरेंट वाली दाल। तो दाल भी मिलेगी साथ में, आप रायता देखिए, रायता की थिकनेस देखिए, देख रहे हैं ये दही से बना हुआ रायता है, बूंदी वाला, बूंदी भैया बता रहे थे हम घर में छानते हैं, और बूंदी इनके यहाँ स्वीट के रूप में भी मिलता है, 10 रुपये दोना रहता है वो। तो अभी बूंदी भी हम लोग ट्राई करेंगे, पर अभी हम लोग रायता वाली बूंदी ट्राई करने जा रहे हैं, एकदम खट्टा वाला रायता ना, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अमूल वाला दही लाके उससे बनाया गया हो, लगता है मेरे ख्याल से घर वाले दही से एकदम खट्टा वाला रायता बनाया गया है, अच्छा खासा झन्नाटेदार खट्टा है, चौचक खट्टा जिसको बोलते हैं। अब बारी आती है जो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा पूड़ी के साथ, ये सब्जी, छोला, कढ़ी, ये सब मिलेगा, तो उससे हम लोग ट्राई करते हैं, पनीर की सब्जी और कचौड़ी। वाह भाई साहब, पनीर की सब्जी और कचौड़ी, कोई कंजूसी नहीं, पनीर भी आ गई है इसमें, और ये जाएगा मेरे मुंह में, ऐसा लग रहा है मैं कचौड़ी नहीं खस्ता खा रहा हूँ भाई साहब, एकदम टाइट कचौड़ी,
जैसे आप भंडारे में कचौड़ी नहीं मिलती एकदम कड़ी कड़ी कचौड़ी, उस तरीके से कचौड़ी है। वाह भाई साहब वाह, कचौड़ी आप कचौड़ी ऐसे लेके सिंपल ऐसे भी खा सकते हो, कसम से मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ऐसी कचौड़ी आपने किसी ठेले में नहीं खाई होगी। वाह, मैं तो ऐसी कचौड़ी खाऊंगा, बहुत ही ज्यादा खस्ता कचौड़ी, आपको बच्चे दिखाता हूँ मैं कचौड़ी नहीं खाता। ये देखें जी, आप कचौड़ी ले ले आइए यहाँ भाई, मैं क्या क्या बोलूँ, क्या क्या खाने आएंगे आप, दम आलू कचौड़ी खाने आएंगे कि दाल रोटी खाने आएंगे कि छोला भटूरा खाने आएंगे, मतलब इतनी सारी वेरायटी है भैया के पास कि आप मतलब सोच यहाँ पे आएंगे एक चीज़ खाने आपको लगेगा अगले दिन, मतलब हफ्ते में अगर 7 दिन आप बदल बदल के भी खाएंगे ना तब भी इनके पास आइटम खत्म होने वाले नहीं है। साथ में चावल भी है भैया के पास। कढ़ी कचौड़ी खाई अभी आपने? हम खा के दिखाते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि कचौड़ी यहाँ से पैक करा के ले जानी पड़ेगी हमें, कढ़ी और कचौड़ी थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है लेकिन मज़ा आएगी। झन्नाटेदार खट्टी कढ़ी, जिस दही से मेरे ख्याल से कढ़ी बनी है उसी दही से ये रायता बना है, दोनों एकदम जबर खट्टे हैं। पकौड़ा एकदम देखिए एकदम सॉफ्ट है, देखें एकदम सॉफ्ट, प्याज व्याज सब पड़ी हुई है ये भैया के पकौड़े में, तो हाथ से सिर्फ कढ़ी। तो इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें मैं कमेंट कर सकूँ कि ये ठीक नहीं है या इसमें थोड़ी कमी है, सब इक्वली डिलीशियस है, इक्वली टेस्टी है। तो अब चलते हैं इनका दूसरा चीज़ ट्राई करने, छोला भटूरा या दम आलू कचौड़ी ट्राई करते हैं, ठीक है चलिए। ढेर सारे कॉम्बिनेशन है कि मैं ट्राई करने लगूंगा 30 मिनट की वीडियो बनेगी, तो इसलिए मैंने कचौड़ी और बाकी जो कॉम्बिनेशन से वो ले लिए, और दमालू कचौड़ी जो इलाहाबादी खाना है, जो दमालू जो आपको ये वाला दमालू जो इलाहाबाद में मिलता है, और सही में ये वाला दमालू आपको इसकी जगह कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने हरी राम एंड सन्स का मसाला यूज़ किया है इलाहाबाद वाला तो आप दमालू ये वाला जानते होंगे, अदरवाइज इस दमालू का टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको इलाहाबाद में मिलेगा। तो दमालू देखिए आपको ये इलाहाबादी दमालू, मैं देखता हूँ खा के मैं वही वाला टेस्ट है कि नहीं। एकदम सही टेस्ट, एकदम मस्त टेस्ट, में खट्टापन के लिए शायद आमचूर डाला गया है या मिर्चा डाला गया है, हम लोग यहाँ इमली डाली जाती है, तो दमालू खट्टा करने के लिए आप कुछ भी डालें, बाकी दमालू मसाले में कुछ नहीं पड़ता, दमालू मसाला सेम वैसे ही रहता है जो इलाहाबाद में है। तो ये दमालू है रायता और कचौड़ी, भाई साहब कचौड़ी ने ऐसा दिल जीता है मेरा कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए ये इतनी खस्ता कचौड़ी जो आपको भंडारे में भी नहीं मिलेगी यार, क्या बताऊँ। तो कचौड़ी और दमालू, कचौड़ी और दमालू ये जाएगा मेरे मुंह में अब। एपिक एपिक भाई साहब, इतना सही खट्टा है दमालू, अब इसमें जो भी डाला उन्होंने, इमली डाली हो या आमचूर डालो जो भी डालो, इतना सही क्वांटिटी में इसकी खटास है कि अब मैं क्या बोलूँ। टेस्ट ऑसम ऑसम, मतलब हर चीज़ में मुझे मेरे मुंह से ऑसम निकल रहा है, जितनी चीज़ की वैरायटी भैया ने रखी है सभी वैरायटी में जो टेस्ट है जो क्वालिटी है, मतलब जैसे कहते हैं ना अलग चीज़, बेच भरे ठेला पे रहे हैं भैया लेकिन जो क्वालिटी है वो रेस्टोरेंट से भी बेहतर है भाई साहब। मैंने बहुत रेस्टोरेंट में कचौड़ी खाई है लेकिन ऐसी कचौड़ी मैंने सच में पहली बार टेस्ट की है। मैंने चंद्रलोक में भी कचौड़ी खाई लेकिन फिर भी मुझे इस तरीके की कचौड़ी नहीं मिली, वहाँ सब्जी अच्छी थी, सब्जी यहाँ पे भी नो डाउट बहुत अच्छी है लेकिन कचौड़ी कोई मुकाबला नहीं उसका। थोड़ा मीठे के साथ हो जाए, सब नमकीन हो गया, अब बचा मीठा, आपको इलाहाबाद में किसी भी कचौड़ी की दुकान में मीठा नहीं मिलेगा, दावा कह सकता हूँ मैं। और ये बूंदियाँ अगर रेडीमेड होती ना तो इस तरीके से छोटे और बड़े जो है वो चंक्स ना होते, इक्वल चंक्स होते, इससे ये पता चलता है कि ये बूंदियाँ हैंडमेड है, भैया ने बोला था लेकिन देखने पर भी ये लग रहा है कि हैंडमेड बूंदिया है। तो बूंदिया मेरी फेवरेट है, कुछ मतलब बेसन का जो टेस्ट है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना रेडीमेड बूंदिया होती है उसमें आपको हल्का सा वो हीक वाली फीलिंग आती है, एकदम नहीं हैंडमेड बूंदिया है, मतलब एक्स्ट्रा मीठा नहीं है नॉर्मल मीठा। तो ये बूंदिया ये जाएगी, भाई जितने भी इलाहाबादी हो यहाँ पे आके एक बार इनकी कचौड़ी बूंदिया सब कुछ, मैं कह रहा हूँ एक चीज़ आप ट्राई करो आप सब चीज़ ट्राई करने आओगे यहाँ पे। रेटिंग मैं नहीं दे सकता, आप लोग आइए, आने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मैंने एक आपको ऐसी कार्ड एक हिडन जेम दिखाया कि नहीं इलाहाबाद का, कि ऐसी कचौड़ी सब्जी आपको इलाहाबाद में इससे अच्छी अगर कहीं खाने को मिलेगी ना तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता देना, मैं उसको भी जाके कवर कर लूँगा। पर मैं दावा कर सकता हूँ इस तरीके की कचौड़ी और इस तरीके की बूंदिया, इस तरीके के बाकी सारे सामान
अभी तक मैंने जितने कार्ड कवर किए मुझे कहीं नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे। तो भैया देखिए हम लोग खाना तो खा ही रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं, लोगों से भी पूछ लेते हैं कैसा है। तो आइए भैया सबसे पहले इनसे बात करते हैं। तो भैया पहली बार आए हैं आप यहाँ खाना खाने? मैं भैया डेली आता हूँ, ये डेली वाले हैं। तो इनसे पूछते हैं भैया क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार यहाँ खींचलाती है? मैं तो बता सकता हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ है, 100 चीज़ की लिस्ट बना सकता हूँ, आप क्या बोलेंगे? इसमें भैया सभी चीज़ इसमें बहुत अच्छा है। इलाहाबाद में और भी जगह कचौड़ी खाए हैं आप? हाँ बहुत जगह खाए हूँ, लेकिन मैं भी बहुत जगह खाया हूँ। मुझे भी आज इतना इम्प्रेस कर दिया है भैया ने इतनी सारी चीजें दिखा के कि मुझे लग रहा है कि मैं परमानेंट कस्टमर इनका बन गया हूँ। जो कोई एक बार खाता तो बार बार आता है, आता है ना। तो भैया ने चावल और सब्जी लिया हुआ है, नो डाउट कचौड़ी भी इन्होंने ट्राई की होगी। भैया आप भी पहली बार आए हैं यहाँ पे? ये भी डेली वाले हैं, यहाँ तो कस्टमर तो मैं भी डेली वाला हो गया हूँ भैया, ठीक है, हम भी डेली वाले हो गए हैं आपके। तो डेली वाले हैं तो सब डेली वाले कस्टमर है। यहाँ बस स्टैंड में जितने ड्राइवर कंडक्टर है सब लोगों का ये फिक्स जगह है, ठीक है, यहाँ खाने का। तो जो लोग ये हिडन जेम नहीं जानते हैं कि प्रयागराज में एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ मिलता है, ये चलता फिरता रेस्टोरेंट जिसने नहीं देखा है वो आके यहाँ पे कचौड़ी सब्जी जो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आता है वो खाइए। और भैया इतने हम्बल हैं, पूछ के सब देते हैं क्या चाहिए भाई, आपको क्या चाहिए इस तरीके की। हफ्ते के 7 दिन का 7 कॉम्बिनेशन आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो आके। अभी भी चावल बचा हुआ है तो अभी इसी में मैं चावल लेने वाला हूँ, ठीक है। 2 प्लेट हो चुकी है, अब 3री प्लेट है ये। तो ये इनका भटूरा देखिए, जैसे भटूरा आपको जो और जगह मिलता है ना एकदम पतला थिन रहता है, और मेरे हिसाब से जो भटूरा जो ओरिजिनल टीम होना चाहिए वो हल्का सा मोटा होना चाहिए, हल्का सा मोटा, देखिए हल्का सा मोटा है और कितना सही तरीके से फूला हुआ है। इसको खोल देते हैं हम लोग, ये देखिए, वाह भाई साहब वाह, जन्नत है यार। आओ सब लोग यहाँ पे ट्राई करो यार, और बताना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, मैंने दिखाया आपको कि नहीं कुछ स्पेशल इलाहाबाद का। तो ये है छोला साथ में भटूरा। तो छोला भटूरा मैंने बहुत जगह खाया है, देखते हैं इनका भटूरा इंप्रेस करता है भाई, देखते हैं तो इंप्रेस करा। इस तरीके का भटूरा नहीं मिलता कहीं पे, आप खुद देख लो, मैं जिनवनली बोल रहा हूँ आप खुद देख लो, इतना मोटा भटूरा इस तरीके का आपको नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा एकदम पतला भटूरा थिन, ठीक है। और भटूरा सही में मोटा ही होता है हल्का सा। तो एकदम मस्त भाई साहब भटूरा, एकदम हल्का सा, ठीक है ना, तो अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी एकदम, ठीक है। तो अब ये अंदर लेयर देखिए, देख रहे हैं। दूसरी चीज़, भटूरा ने तेल नहीं पिया है, देख रहे हैं कहीं तेल है ऑयली है? हम लोग जो दूसरा भटूरा खाते हैं एकदम ऑयली रहता है, ये एकदम ऑयली नहीं है, देख हर चीज़ परफेक्ट है भैया की हर चीज़, देख रहे हैं। तो एकदम ऑयली नहीं है, नो ऑयली भटूरा। तो हेल्दी भटूरा खाना है बिना तेल वाला, जो तेल नहीं पिया हुआ है। तो यहाँ आइए बस स्टैंड के पीछे भटूरा और छोला ट्राई करने, ठीक है। तो भटूरा छोला हमने आपको दिखाई दिया, रोटी भी दिखाते हैं भैया के पास, रोटी भी मिलेगी। तो रोटी कचौड़ी और भटूरा 3 चीज़ हो गई, छोला बहुत मस्त है रोटी के साथ, छोला छोला तो परफेक्ट है ही, रोटी मिल जाएगी। तो मैंने बताया ना 30 रुपये वाली प्लेट में आप रोटी या चावल दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, रोटी और चावल दोनों लेना है तो प्लेट 50 की है। कॉम्बिनेशन आप डिसाइड कीजिए आपको क्या खाना है, छोला खाना है, सब्जी खानी है, अचार बच रहा है अचार भी ले लेते हैं भाई, ये अचार है भैया का, और ये मेरे ख्याल से किसी अच्छी ब्रांड का अचार इस्तेमाल करते हैं, साथ में मिर्चा भी मिल जाएगा आपको। वाह भाई ऐड कराते जाओ आप, एक एक चीज़ ऐड कराते जाओ, सब चीज़ आप यहाँ पे ऐड होती जाएगी, प्याज और वो। तो रोटी के साथ थोड़ा सा छोला, थोड़ा सा प्याज, साथ में मिर्चा भी लेंगे ही और अचार भी हम लेंगे। ये मेरे ख्याल से घर के आटे की रोटी है क्योंकि चुई नहीं है, खींचने वाली रोटी नहीं है, घर के आटे की रोटी है, साथ में अचार और मिर्चा स्पाइसी जो खाता है। छोला भटूरा हो गया, रोटी छोला हो गया, सब्जी मैंने आपको सारी दिखाई दी। हमको लगता है 20-25 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी क्या, क्योंकि बहुत चीज़ है भाई, मैं खुद खाते खाते 3री प्लेट है ये, और अभी भी पूरा कॉम्बिनेशन खत्म नहीं, अभी चावल बचा हुआ है तो उसको भी दिखा देते हैं आपको चावल कैसा रहता है, चावल और छोला ट्राई करेंगे, ठीक। हमने लिया है पनीर की सब्जी और चावल। चावल भैया गोल्डन सेला इस्तेमाल करते हैं जैसा कि भैया बता रहे थे, देख रहे हैं चावल की क्वालिटी देखिए आप,
ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट चावल है या कुछ, एकदम नॉर्मल चावल है ये, देख रही है। तो चावल और पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी तो एकदम सो डिलीशियस है यार, उसको तो कुछ बोलना ही नहीं है। तो पनीर की सब्जी और चावल प्याज के साथ, एपिक। कुछ भी ट्राई कीजिए भाई, सब एकदम बेस्ट। और मुझे लगता नहीं कि इस वीडियो को मैं 20 मिनट से छोटा बना पाऊंगा, ठीक है जी। तो लोकेशन मैंने आपको बता दी, आप यूसुफ रोड से जब आप बस स्टैंड के पीछे वाली रोड में आएंगे तो एकदम स्टार्टिंग में ही भैया की आपको कार्ड और वो भीड़ ही आपको बता देगी कि हम एक चलते फिरते रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इस जगह पे आइए, अपना कॉम्बिनेशन डिसाइड कीजिए और खाइए। और भैया को मैं एक बार थैंक यू बोलने जरूर जाऊंगा भाई, इतनी सही चीज़ खिलाने के लिए और अपने इलाहाबादी भाइयों को इतनी सही चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है। देखिए आपके इतने ढेर सारे कॉम्बिनेशन में हमने 10% ट्राई किया और उसमें भी मुझे लग रहा है कि आज शाम को खाना नहीं खाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो भैया के इतने हम्बल हैं, इनके पास आप आइए और डिमांड आप रखिए, सर्व भैया करेंगे। मैं बताया ना, हफ्ते के 7 दिन का 7 कॉम्बिनेशन भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी वेरायटी है भैया के पास। तो भैया इलाहाबादी भाइयों से अपने बोल दीजिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ये हमारा चैनल है, हमारा और भैया का, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और भैया की दुकान पे आइए और जितने कॉम्बिनेशन है हफ्ते के 7 दिन का डिसाइड करके आइए और सातों चीज़ें ट्राई कीजिए। सारी चीज़ें एकदम डिलीशियस हैं, किसी को मैं कोई रेटिंग नहीं दे रहा हूँ, हर चीज़ एकदम अपने जगह पे परफेक्ट है। भटूरा भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कचौड़ी तो पक्का नहीं मिलेगी ऐसी, सब्जी आप देख ही रहे हो सब एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो आइए आप नवाब यूसुफ रोड से बस स्टैंड जाने वाली रोड पे, भैया की कचौड़ी दुकान लगती है और वो भीड़ आपको बता देगी वो कहाँ लगती है, ठीक है। तो बाकी वीडियो आपको कैसा लगा भाई, अब तो सब्सक्राइब कर दो, एक अलग चीज़ दिखाई, एक डिफरेंट चीज़ दिखाई, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई ऐसी डिफरेंट लोकेशन जो आपने देखी हो, अंडर रेटेड हो, आप चाहते हो उसे कवर कराना, वो बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।